तुला राशि वालों, 18 जनवरी बृहस्पतिवार का दिन अश्वनी नक्षत्र के केतु से आप प्रभावित हैं। आज सिद्धि योग है, सर्वाधिक सिद्धि योग है। दिन आपके लिए शुभ है और आपकी कुंडली के धन भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। सप्तम भाव पर बृहस्पति चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। लग्न के ऊपर चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि है, जबकि मंगल बुध के साथ आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में बैठकर भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जबकि सूर्य आपकी कुंडली के कर्म भाव पर बैठकर इस समय जीवन के सुख को बढ़ा रहा है। शनि का पंचम भाव में गोचर करना तुला राशि वालों के जीवन में बड़ी तरक्की और बदलाव का संयोग बना रहा है। आज का दिन आपके लिए लाभ, सुख, सौभाग्य पाने का अवसर देगा। आज का दिन मेहनत का फल भी मिलेगा। कार्य में आ रही विघ्न बाधा भी दूर हो जाएगी। समृद्धि सौभाग्य का आगमन आपके जीवन में होगा। आप भाग्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ेगी और आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे और आपके जीवन में सफलता, कामयाबी का सुंदर योग भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी बुध आज धन के स्वामी मंगल के साथ पराक्रम भाव में गोचर कर रहा है और कर्म का स्वामी चंद्रमा आज बृहस्पति के साथ बैठा है, जिसके प्रभाव से अश्वनी नक्षत्र आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आया है। आकर्षक व्यक्तित्व आपका होगा, जीवन में वैभवशाली योग बनेगा, बाधा आपकी दूर होगी और आपकी कोशिश सफल हो जाएगी। नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा और स्टूडेंट के जीवन में सफलता, कामयाबी का अवसर प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 18 जनवरी बृहस्पतिवार का दिन सिद्ध योग में अश्वनी नक्षत्र में केतु के प्रभाव के साथ दिन की शुरुआत होगी। आज पौष माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और केतु के प्रभाव से सिद्ध योग में शुभ संयोग में आज आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी। केतु आपके उत्साह, उमंग को बढ़ाएगा और केतु के परिणाम से ही अशुभ प्रभाव, अनिष्ट प्रभाव भी नष्ट होंगे। कर्म से भाग्य बदलेगा और भाग्य से सुख मिलेगा। सौभाग्य का वरदान आज भरणी नक्षत्र का शुक्र आपको देगा। सिद्ध योग है तो मनोरथ भी आपकी पूरी होगी। यश कीर्ति का पताका भी चारों ओर फैलेगा और आपके जीवन में शुभ काम भी होंगे, खुशनुमा दिन भी होगा, कोई बड़ा सरप्राइज भी मिलेगा, खुशियां भी आपके जीवन में बढ़ेगी, आत्मविश्वास की वृद्धि भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज चंद्रमा मंगल के घर में उदय हो रहा है और मंगल बुध के साथ युक्ति कर रहा है। यानी आज का दिन आपके लिए सौभाग्य का दिन, सुख और धन पाने का सुंदर अवसर लेकर आएगा। आज आपकी कुंडली में सूर्य बृहस्पति के साथ चतुर्थ दशम योग बना रहा है और बृहस्पति के साथ ही चंद्रमा का गोचर हो रहा है। जब भी बृहस्पति चंद्रमा एक साथ गोचर करते हैं, आपके जीवन में धन, सुख, सौभाग्य, सफलता बढ़ने लगता है, आपके अधूरे काम पूरे हो जाते हैं और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। चंद्रमा का बृहस्पति के साथ गोचर करना आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आता है, तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, परेशानियों से राहत मिल जाता है, धन कारोबार में सुधार देखने को मिलता है और नई नौकरी का योग भी बनता है। केतु के प्रभाव से आप महत्वाकांक्षी तेजस्वी होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, खुद पर विश्वास होगा और जीवन में वैभव, खुशहाली आपकी बढ़ेगी। दिन आपके लिए लाभ का दिन है। अपने जीवन में शक्ति का भरपूर उपयोग करते हुए
जीवन में शानदार सफलता आप पा सकते हैं, धन और लाभ अर्जित करेंगे। साथ ही साथ आज आपकी कुंडली में बृहस्पति चंद्रमा का शुभ प्रभाव धन वैभव को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की आरंभ हो जाएगी। सुख समृद्धि आपके जीवन में और भी ज्यादा प्राप्त होगा। आज परिवार की खुशी और जीवन में सुख पाने के लिए आप जो भी काम करेंगे आपके काम सफल हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में खुशी और सुख इच्छा शक्ति के प्रबल होने से प्राप्त होती है। साथ ही साथ संतान से भी सुख मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं तो चंद्रमा बृहस्पति की युक्ति है, आप आसानी से कर सकते हैं। जीवन की बाधा, जीवन की विपत्ति, जीवन की रुकावटें अब दूर होगी, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। समय आपके लिए शुभ है, जो मन में विश्वास को बढ़ाएगा और आपके जीवन में लाभ का अवसर लेकर आएगा। मंगल बृहस्पति के साथ नवम पंचम योग बना रहा है, सूर्य बृहस्पति के साथ चतुर्दशम योग और चंद्रमा बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है, यानी आज दिन आपके लिए प्रभावशाली है। आपका प्रभाव भी बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। जीवन में सुख और धन की प्राप्ति के लिए जो आप मेहनत करेंगे वो मेहनत प्रभावशाली होंगे। एक नई शुरुआत भी आपके जीवन में होगी, अखंड भाग्य का अवसर भी मिलेगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति भी होगी। आज आप भाग्य के धनी हैं, भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि शुक्र इस समय आपकी कुंडली में बेहतर स्थिति में है। शुक्र जब बेहतर होता है तो आपके जीवन में ऊंचे मुकाम आप पाते हैं। आपके अंदर इच्छा शक्ति बलवान है तो शोहरत भी आपकी बढ़ती है, सौंदर्य भी आपका बढ़ता है, सुख सफलता की प्राप्ति भी होती है, व्यापार भी अच्छा चलता है और नौकरी में उत्साह से अपने काम को आप करते हैं। यानी जीवन में बड़े बदलाव का योग बन रहा है। गृहस्थ जीवन सुख देगा, कर्म भाग्य से जीवन में परिवर्तन होगा, शुभ समाचार खुशी लेकर आएगा और आज शनि की स्थिति बेहतर होने से मेहनत का फल भी आपको प्राप्त होगा। मजबूत इरादा लेकर जो भी काम करेंगे वो काम आपके सफल हो जाएंगे। यानी दिन आपके लिए सुख संपत्ति तरक्की लेकर आया है। साहस शक्ति स्वाभिमान के साथ जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। बेहद ही शुभ स्थिति आपकी जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। धन धान से युक्त आपका जीवन होगा और दुख दर्द से छुटकारा भी मिलेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि पाना चाहते हैं तो मंगल कामना के साथ जो भी काम करेंगे वो काम आपके सफल हो जाएंगे। धन वैभव बढ़ जाता है। अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास से जब आप काम करते हैं आपकी स्थिति भी बदलने लगती है और जीवन में सुख प्रेम आनंद भी बढ़ने लगता है। यानी आज का दिन आपके लिए हर तरह से लाभ सुख सफलता लेकर आया है। ऐसे समय में चिंता को छोड़कर अपने जीवन में कुछ पाने की इच्छा रखकर आप अपने काम को करते जाएं, निश्चित ही आपके काम सफल हो जाएंगे और आपके जीवन में तरक्की का अवसर लाभ का योग बनेगा, जिससे किस्मत भी आपकी बदलेगी और आपके कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। आज सिद्ध योग है, सिद्ध योग में सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने से जीवन में सुखता बढ़ती है, अभिलाषा बढ़ जाता है। चंद्रमा मन को थोड़ा चंचल बनाता है, पर जीवन में चंद्रमा के कारण भी आपके जीवन में सुख बढ़ता है। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। समय आपके लिए सफलता सौभाग्य लेकर आया है। अश्वनी नक्षत्र का केतु आपकी किस्मत को बदलेगा। अश्वनी नक्षत्र के केतु से जीवन में तरक्की की प्राप्ति होगी। राहु काल 1:51 से 3:10 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। दक्षिण दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर येलो होगा और लकी नंबर 4 होगा। आज अमृत काल शाम 7:57
आपके लिए काफी लाभदायक होगा, जबकि सर्वा सिद्धि योग सुबह 7:15 तरक्की भरा होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:10 और विजय मुहूर्त 2:17 जीवन के कष्टों से आपको मुक्ति देगा। तो दिन आपके लिए सफलता सुख सौभाग्य लेकर आया है। केतु का प्रभाव सर्वा सिद्धि योग में दिन आपके लिए बेहतर स्थिति परिस्थिति का निर्माण कर रहा है। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।